वहाँ जाने के लिए मेरी जो बड़ी सिस्टर है उसका ऑपरेशन हुआ, हम यहाँ पर हनुमान मंदिर खासोली। ठीक है जी, को ज़्यादा टाइम नहीं है, जज जटी से छुट्टियाँ नहीं मिलती, और खासोली में इंटर करते हैं, चूरू से निकलते हैं, उस टाइम मंदिर आते हैं, वहाँ पहुँच गए हैं। और मेरी मम्मी और मेरा भाई जा रहा है दीदी से मिलने के लिए, उनकी ये देखो परिवार पूरी बटालियन है भक्तों की, तो मैं वहाँ जा रही हूँ मिलने के लिए दीदी से। सैटरडे को डीके जी और मैं फिर से जाएंगे, आज तो मैं ऐसे ही, क्योंकि दीदी अभी फिलहाल हॉस्पिटल में है और उसका एपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, उनके ब्लड की भी कमी बताई है डॉक्टर साहब ने, तो पता नहीं कैसा हाल है। एक बहन को एक बहन के बारे में करवाना हो और वहाँ डीके जी नहीं गए, लेकिन ये पहला ही ऑप्शन आज दिया है डीके जी की, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे को छुट्टी नहीं है, और दो दिन पहले छुट्टियाँ आ गई थी इनकी, तो आज जाना वैसे भी ज़रूरी है इनका। और जेजेटी यूनिवर्सिटी में नेक वाली वो डिग्री का प्रोग्राम होने वाला है, तो उनको नेक की डिग्री मिलेगी जेजेटी में, तो स्टाफ को फुल तैयारी करनी पड़ती है, इसलिए छुट्टियाँ नहीं मिलती है कि आज नहीं जा सकते। इतनी बरसात हुई है कि मतलब पता ही नहीं चल रहा कि बरसात हुई या नहीं हुई, इतना सूखा सूखा हो रखा है। अभी हम खासोली में पहुंच गए हैं, एकदम सही खासोली के बीच में है, खासोली गांव आता है, चूरू के बाद खासोली, खासोली के बाद पिसाऊ, पिसाऊ के बाद लड़ियों की डाणी, भाई बहन झुंझुनू साइड में आते हैं अभी सुबह, तो उनको मैं बता देती हूँ, जो चूरू से निकलते ही पुलिया आता है, तो वहाँ पुलिया पे काम चल रहा है, तो मेन रोड यहाँ पे साइड से आना पड़ेगा आपको, अच्छा वन साइड कर रखा है, वे को रास्ता एक साइड से ही है भैया, आप पुलिया के ऊपर से नहीं आ सकते। अच्छा ये अठा भर है क्या फसल में पानी, दुकान बन गई है, दुनिया प्रोग्रेस तो देख रहे हैं। तेज होती है तब जो खासोली के अंदर स्कूल है उसके जस्ट